मेरा भतीजा रंजीत, ये मेरा भांजा सूरज, वो मेरा भाई और मेरे पापा, अब मैं रूपेश। हाय दोस्तों, नहीं नहीं गलत हो गए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी हम लोग पूरी फैमिली के साथ रायपुर निकल रहे हैं, और रायपुर क्यों जा रहे हैं आप लोग को वीडियो में पता चल जाएगा, तो वीडियो में बने रहिए। और ये नव्या कहाँ जा रहे हो, नव्या कहाँ जा रहे हो, रायपुर। ये भी, इसकी भी तैयारी चल रही है, ये भी नहीं फुल मूड में है जाने का। तो बने रहिए वीडियो में, अभी आपको आगे ले चलते हैं रायपुर। बाय नव्या, हम लोग जा रहे हैं घूमने घूमने, जाए हम लोग हैं आपको छोड़ के। हम लोग निकल चुके हैं अब रायपुर के लिए, रायपुर के लिए, और हमारे तो तुम्हारी फैमिली भी है। हम लोग अभी फिलहाल अभी मार्केट में रुके हैं फल लेने के लिए, और काफी ज्यादा यहाँ पर जाम लगा हुआ है। मतलब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जाम कैसे है। चलो दोस्तों, हम लोग अभी पेट्रोल पंप पहुँचे हैं डीजल डलवाने के लिए कार में, और जैसे डीजल डलाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। ये नव्या मेरी बेटी सो गई है, दीदी भी सो गए थे अभी उठे हैं। पापा को तो नींद ही नहीं आ रहा है, इसको भी नींद नहीं आ रहा है। सफर एंजॉय कर रहे हैं हम। क्या रिंकू, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दोस्तों जहां हम लोग को आना था, हम लोग पहुंच गए हैं। चलो मिलते हैं वीडियो में। बच्चे लोग भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। हाँ ये सब वो करता था। क्या है भाई, ये मछली है, मछली। जल्दी शादी करना पड़ेगा इसका भी। ओम सिंदूर प्रार्थने सुखनासो स्वात प्रमया श्री दुर्गा देवते नमः सिंदूरम समर्पयामि। हेलो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं रायपुर, और रायपुर में मैं अपने बड़े भैया के आया हूँ। यहाँ पर गृह प्रवेश हो रहा है, और ये मेरी बेटी है नव्या, ये रिंकू। रिंकू कहाँ है, रिंकू, ये रिंकू। और हम लोग आए हुए, देखो आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं, ये मेरे भैया जी का जो घर है, पूजा हो रहा है यहाँ पर। राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम। हम लोग छत के ऊपर आ गए, झंडा लगा रहे हैं, और आप लोग यहाँ का नजारा दिखा रहा, क्या ही नजारा है। अब बड़ा प्यारा लग रहा है यहाँ का नजारा देख के। वो हाईवे है, बाईपास, बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में। उसी में डाल के कुछ किराया, ये हमारे भतीजे हैं, ये हेलो हेलो। बहुत सुंदर व्यू, बहुत ही प्यारा नजारा, मतलब क्या ही बताए, इतना अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम तो रहते हैं एकदम भरे भरे एरिया में, ये पूरा खाली एरिया एकदम प्यारा सुंदर सा। ये मेरा शर्मिला भांजा सूरज, इसका जल्दी शादी कराना है, कोई लड़की हो बताइएगा। नहीं कराना है, अच्छा नहीं कराना, इसका कराना है जल्दी शादी। हाँ इसका कराना है, बहुत जिम्मेदार लड़का है, कोई अच्छी लड़की भी बताइएगा। एक चीज दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये देखो टंकी के चारों तरफ ईंटे का जो किए हैं बाउंड्री, इसका रीजन क्या हो सकता है आप लोग बताइएगा। बाकी हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि इसका रीजन ये हो सकता है कि ये तीन मंजिले पे खड़ा है, और काफी हवा चलता होगा तो खाली जब रहेगा टंकी तो ये उड़ के इधर उधर ना चले जाए। लेकिन ये मेरे भाई बता रहे हैं कि ये गर्मी के समय पानी ठंडा रहेगा, लेकिन ठंड में तो बहुत ठंडा रहेगा। और यहाँ पर झंडा लगाने का तैयारी चल रहा है, ये नीचे तार लगा रहे हैं कि कभी हवा ज्यादा चले तो ये पाइप से निकल ना जाए। और मैं भी हूँ, मेरे को भी देख लो सब। इधर मस्ती कर रहा है,
तो ये ना। चलो 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 मैं तो वीडियो बनाऊंगा। ये झंडा लगाने के लिए ये हमारे भतीजे को ऊपर चढ़ा रहे, ये दो लोग मिल के बताओ ये क्या वजन होगा, दो लोग मिल के चढ़ा रहे हैं। गौतम रहता समझ में भी आता कि उसको दो लोग मिल के उठा रहे हो। क्या देखो आराम से उधर नहीं जाना, आराम से अच्छा। रे रॉड कितना लंबा है पाइप में ना, तेरे को बांधना पड़ेगा वैसे ही रहने तो, और दो जगह बांध दो बस पाइप में। तू कहाँ घूम रहा रे, लोहा कितना लंबा है इसके अंदर? नहीं वही पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, चारों तरफ आप देखें पूरा फैक्ट्री प्लांट ही मिलेगा आपको चारों तरफ, उसी के बीचों बीच है। यहाँ एक चीज ये भी है कि पूरे फैक्ट्रियों का जो डस्ट जो धुआं वगैरह उड़ता है ना वो काले कलर का रहता पूरा। एक मकान भी नया है लेकिन देखोगे कि पूरे मकान में काला काला डस्ट उड़ा हुआ दिखता है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। लेकिन बहुत अच्छा एरिया है, बहुत शांत है, बहुत मज़ा आ गया। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग को आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। कुछ देर बाद हम लोग और भी कुछ एंजॉय करने वाले हैं, वीडियो में देखते रहिए। कुछ नहीं होगा, दोनों हाथ ऐसे लटक ना वही तो। अरे अभी शादी करना बिचारेगा यार, अरे लटक के पूरा ये। अरे यार बहुत डरता है यार, क्या हीरो बनेगा तू? गांव के पेड़ में चाकना और लाला लाल कुछ बहुत था, ट्रेनिंग करवा रहे चलती ये बंगला ये भाई ये डोकरा दादा है डोकरा है हो गया डीजे चालू करवा दे फिर पंडित मोह अलाउंस करे। Oh, 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 oh
एवरीवन गुड मॉर्निंग। सुबह की 7 बज रही है और हम लोग मैं उठ चुका हूँ, मतलब हम लोग सब उठ चुके हैं और अपने कार के पास आए। देखो कार की हालत मतलब काफ़ी ज़्यादा कोहरा है, यहाँ पर ठंड लगा हुआ है जोरदार, मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है। पता नहीं मेरा बाल वाल कैसा होगा। तो ये पीछे देखो पूरा टेंट वेंट निकल चुका है रात ही रात को, और सुबह का काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा है, ठंड से काँप रहे सब। और ये देखो सूर्य दिखा, ये रहा सूर्य, सुबह सुबह अपनी दर्शन दे रही है एकदम भगवा कलर में। कार की हालत, चलो वीडियो में बने रहिए। यार आप लोग को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, मैं अपनी कार में बैठा हूँ और देखो एक छोटा सा बच्चा, ये टायर, मतलब हम लोग अपने बचपन में इसको चलाते थे और उसके बाद कभी देखने को नहीं मिला है, और आज मुझे दिखा तो बड़ा खुशी हुआ अपने अंदर। यार ये चीज आज भी चल रहा है कि बच्चे लोग इस तरह का खेल खेलते हैं, बड़ा प्यारा लग रहा है, मतलब अपना बचपन याद आ गया इसको देख के। ये क्या हो रहा है अब हम? ओहो गाड़ी का सफाई हो रहा है, सफाई हो, पूरा गंदा हो गया था, अब जाने धुलाई जाने की तैयारी चल रही थी, सफाई कर रहा हूँ। यहाँ पर काला काला डस्ट टूटता था, पूरा कार मेरा काला हो गया, देख रहे सफाई कर रहा। बोल बोल 3 महीने बाद मेरी गाड़ी की सफाई कर रही है, इतने ज्यादा मन लग रहा पूछने का। चला जाए अब धुलाई, चला जाए, चले पापा। हाँ चल ना, ये हमारे फैमिली विदाई समारोह स्टार्ट हो रहा है। वो हमारा ड्राइवर कार पोछते हुए, अच्छे से पोछना ड्राइवर। ये हमारे फैमिली विदाई समारोह, आंसू सू बह रहे हैं। बाहर खा पिया है ना, छोटकन के ना मिला, बहुत गलत हुआ पूरा भैया को दे दे। चले सबको बाय बाय, फिर मिलेंगे। आप तो भिलाई वाले, आपको नहीं। चलो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से विदा ले रहे हैं भिलाई के लिए। ये रंजीत है, बाय। ये मेरे बड़े भैया है परवीन भैया, बता रहे यहाँ से ऐसे जाना हाईवे को लेके। 90 के लिए कुछ नितेश ले रहा है, और मतलब वो निकल ही रहे हैं लगभग भिलाई की और निकलेंगे। ये रोड है, हाईवे है सामने, ये हाईवे से राइट लेके फिर लेफ्ट लेके भिलाई की ओर। बहुत अच्छा लगा आज, जाने का मन बिल्कुल नहीं था लेकिन जाना तो जरूरी है ही है। कैसा रहा एक्सपीरियंस बताइए कल का, कैसा लगा दीदी? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, कैसा लगा पापा? पाव लग रहा, ठंडी लग रहा था, ओढ़ ओढ़ लिए ना, हवा हवा है ना बाहर से, तो कांच ऊपर कर देता हूँ ना, ज्यादा गर्मी लगती है, हवा लगेगा ठीक है, ज्यादा ठंडी नहीं था। चलो दोस्तों अब हम लोग भिलाई के लिए निकल गए हैं और लगभग वीडियो पूरा अब यही खत्म करते हैं। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।